हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं जैसे किसी सब्सटेंस का हम मास मेजर करते हैं, किसी का वॉल्यूम, किसी की डेंसिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं तो उसका रिजल्ट जब हम रिपोर्ट करते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा पार्ट जो उसके साथ होता है वो होते हैं उसके यूनिट्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कि मेजरमेंट का जब रिज़ल्ट हम रिपोर्ट करते हैं उसमें दोनों पार्ट्स का होना ज़रूरी होता है ताकि जो वैल्यू हो उसकी कोई सिग्निफिकेंस बने या उसका कोई मीनिंग बने। अब ये जो यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट में जो हम यूज़ करते हैं, दीज यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक टाइप है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट और सेकंड टाइप है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं। तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल माना जाता है, मास, लेंथ या डिस्टेंस और तीसरा है टाइम। इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्यों मानते थे, क्योंकि ये बिलीव किया जाता था कि यही तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इन्हीं के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स से हम बाकी सभी यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला कि सिर्फ इन तीन यूनिट्स से हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ और यूनिट्स भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है या इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से टोटल 7 यूनिट्स बन गए जिनको हम बेसिक यूनिट्स का नाम देते हैं। अब वो जो बेसिक यूनिट्स हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटीज। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इस तरह से ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं और इनके यूनिट्स को हम बेसिक यूनिट्स का नाम देते हैं। नाउ व्हाट आर दीज बेसिक यूनिट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम नॉर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स। इसका मतलब ये वो यूनिट्स हैं जिनको कहीं से हम डिराइव नहीं कर सकते और ना इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है या इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। इट मीन्स दीज आर द इंडिपेंडेंट यूनिट्स विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स।
अब जैसे हमने बात की, देयर आर सेवन बेसिक यूनिट्स। अब वो सात बेसिक यूनिट्स क्या है, वो किन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं और उनके सिंबल्स वगैरह क्या है वो हम देखेंगे। तो सात बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वो इस तरह से हैं, लेंथ जिसका एसआई सिस्टम में यूनिट है मीटर और मीटर का सिंबल है एम। सिमिलरली द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज मास हुज यूनिट इज किलोग्राम हैविंग सिंबल केजी, टाइम उसका एसआई यूनिट है सेकंड सिंबल है एस, टेम्परेचर इज अनदर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट है केल्विन और उसका सिंबल है के, इलेक्ट्रिक करंट इज अनदर क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट एम्पेयर सिंबल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबल है सी डी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर है सेवेंथ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज मोल एंड द सिंबल इज एम ओ एल। सो दीज सेवन फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एज बेसिक यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स। अब जो सेकेंड टाइप है यूनिट्स के, दे आर डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एंड कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व्ड इंटू सिंपलर यूनिट्स। मतलब ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनके जिनको हम डिराइव कर सकते हैं, और कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स, और इनको रिजॉल्व करके बेसिक यूनिट्स में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वो जो सात फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी बेसिक यूनिट्स में, उनके अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब को हम, उन सब के यूनिट्स को हम डिराइव कर सकते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम देखेंगे डिराइव्ड यूनिट की कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे एरिया, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इन दोनों का यूनिट मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर बिकम्स मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर इज द डिराइव्ड यूनिट बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ लेंथ। सिमिलरली वॉल्यूम इज अनदर एग्जाम्पल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो द यूनिट बिकम्स मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज क्यूबिक मीटर। डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, सो इट बिकम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अनदर क्वांटिटी इज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द यूनिट बिकम्स मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एज यू नो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट है सेकेंड, सो इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। Now force, as we know that it is equal to mass into acceleration, so mass has the unit of kilogram, acceleration meter per second square, it becomes kilogram meter per second square, which is also known as Newton, denoted by N. Now pressure, pressure is equal to force upon area, so force ka unit humne dekha kilogram meter per second square, divided by area ka unit hai meter square, so it becomes kilogram पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अगर हम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन बात करें तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, सो इट बिकम्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑल दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम बेसिक यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरकन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमने देखा है कि दो टाइप के यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, जिसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी की। अब हम आमतौर पे एक फिजिकल क्वांटिटी को एसआई यूनिट्स से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक फिजिकल क्वांटिटी के कई यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, बट अपार्ट फ्रॉम मीटर देयर आर सेवरल अदर यूनिट्स फॉर लेंथ लाइक सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
किलोमीटर, माइल्स, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। तो अगर हमें कभी एक फिजिकल क्वांटिटी को मीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो, या मान लीजिए किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसा हम कर सकते हैं बाय ए मेथड विच इज़ कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मीन्स दैट वी हैव टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। तो ऐसा करने के लिए जो मेथड अभी मैंने कहा, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक गिवन वैल्यू को इन ए गिवन यूनिट, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद ए फैक्टर विच इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। तो जब हम किसी वैल्यू को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर इज ए रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ the magnitude of the same physical quantity in two different units. In order to understand it, let us take an example in which we have to convert 10.6 kilometers into meters. So first of all, ye dekhe, ye jo given quantity hai, this is 10.6 kilometers. और इसके यूनिट्स क्या हैं? इसके यूनिट्स हैं किलोमीटर, और हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर्स एंड मीटर्स। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं ये जो 1 किलोमीटर है और 1000 मीटर है, ये सेम क्वांटिटी है, सिर्फ इसके यूनिट्स डिफरेंट हैं। क्वांटिटी इज द सेम बट यूनिट्स आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की रेशियो लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे? रेशियो इस तरह से लेंगे कि जो इसमें किलोमीटर हो, दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। इट मींस वी विल टेक इट एज 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर। सो वी हैव टेकन द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज मीटर एंड किलोमीटर। और हमने क्या देखा, हमने किलोमीटर को कहाँ पे रखा, हमने इसको रखा डिनोमिनेटर में, ताकि ये जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर बना, जब हम इस कन्वर्जन फैक्टर को गिवन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग यूनिट होगा दैट विल बी मीटर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द गिवन वैल्यू दैट इज 10.6 किलोमीटर and we will multiply it with the conversion factor, that is 1000 meters divided by 1 kilometer. So we can see that kilometer and kilometer cancels out and we get 10.6 into 1000 meters, and then we can calculate these two values, it becomes 10,600 meters. So this is the result, this is the quantity in meters.
Let us take another example in which we have to convert 2.5 meter square into centimeter square. Meter square and centimeter square, these are the units of area. Now हमने यहाँ पर भी एक कन्वर्जन फैक्टर बनाना है. कन्वर्जन फैक्टर कैसे बनेगा? वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एज वी नो दैट 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeters, बट सिंस यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का रिलेशनशिप देखना है, सो वी विल टेक द स्क्वायर्स ऑन द टू साइड्स. इन दिस वे वी गेट 1 meter square is equal to 100 square, that means 10 raised to power 4 centimeter square. So we have the relationship, that is 1 meter square is equal to 10 raised to power 4 centimeter square, that means 10,000 centimeter square. अब हम क्या करेंगे, इसका हम एक conversion factor बनाएंगे. Now which quantity we have to keep in the denominator? Of course we have to keep meter square in the denominator, so the conversion factor becomes, yes, it becomes 10 raised to power 4 centimeter square divided by 1 meter square. Now this conversion factor will be multiplied with the given value, and what is the given value? Given value is 2.5 meter square. So isko hum multiply karenge conversion factor ke saath, which is 10 raised to power 4 centimeter square divided by 1 meter square, and meter square and meter square will cancel out, and then we will get 2.5 into 10 raised to power 4 centimeter square. So in this way we have converted meter square into centimeter square. The similar procedure can be followed for other conversions as well. Now some conversions may require two conversion factors also. जैसे इस केस में आप देखिए, हमने 40 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स पर सेकंड. इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने दो कन्वर्जन्स करनी है. वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स एंड आवर्स इनटू सेकंड्स. इट मींस हियर वी विल रिक्वायर टू कन्वर्जन फैक्टर. तो हम वो दो कन्वर्जन फैक्टर कैसे बनाएंगे? पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर एंड मीटर्स. वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. तो यहाँ से जो कन्वर्जन फैक्टर बनेगा दैट विल बी 1000 meters डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर. सो इट बिकम्स द कन्वर्जन फैक्टर नंबर 1. और दूसरा जो कन्वर्जन फैक्टर बनेगा दैट विल बी बिटवीन आवर एंड सेकेंड. वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 3600 seconds. तो यहाँ से जो कन्वर्जन फैक्टर बनेगा वो होगा 3600 seconds divided by 1 hour. This is our conversion factor number 2. अब हमने इन दोनों conversion factors को multiply करना है with the given quantity. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हमने देखा here we have 40 kilometers per hour. Kilometers को जो convert करना है हमने meters में, उसके लिए conversion factor यहाँ पर हम multiply करेंगे 1000 meter upon 1 kilometer, और जो hour को second में convert करना है वो हम यहाँ पर ले लेंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड द आंसर इज 11.11 meters per second. टेक अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव टू कन्वर्ट 1.25 मीटर क्यूब्स इनटू लीटर्स. क्यूबिक मीटर और लीटर ये दोनों वॉल्यूम के यूनिट्स हैं. But what does a liter mean? A liter means cubic decimeter. So in this case we have to convert meter cubes into decimeter cube. And what is the relationship between meter cube and decimeter cube? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे what is the relationship between meter and decimeter. And we know that 1 meter is equal to 10 decimeters. So अब हमें
both sides ka cube lena hai, and after doing it we get 1 cubic meter is equal to 1000 decimeter cube, or we can say 1 meter cube is equal to, it is equal to 1000 liters. तो यहाँ से अब हम बनाएंगे conversion factor. So conversion factor क्या बनेगा? Conversion factor बनेगा 1000 decimeter cube divided by 1 meter cube. See that we have kept meter cube in the denominator ताकि वो cancel हो सके. अब हम क्या करेंगे? अब जो given value है that is 1.25 मीटर क्यूब, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन फैक्टर के साथ, मींस 1000 डेसीमीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1.25 इनटू 1000, दैट मींस 1250 डेसीमीटर क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं 1250 लीटर्स. So in a similar way we can convert any physical quantity from one unit to another unit with the help of conversion factor. So this was all about today's topic. Hope you have understood. Goodbye. Have a nice time.